बिहार की सियासत में 23 तारीख का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन कई फैसले भी होने वाले हैं, लेकिन इन फैसलों के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार पहुंचने वाले हैं। कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अंततः कांग्रेस ने आज ये क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी 8 साल बाद बिहार आएंगे और विपक्ष की बैठक में शामिल भी होंगे। हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता राजेश राठौर जी। राजेश जी, राहुल गांधी 8 साल बाद आ रहे हैं, आज इस बात की कंफर्मेशन हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आप सर्वप्रथम कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तमाम मीडिया कर्मियों के सामने इस बात को रखा कि राहुल गांधी जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 23 तारीख को प्रस्तावित महागठबंधन की बैठक में भाग लेंगे। इसके बारे में श्री ललन सिंह जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने इससे पूर्व भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें अटकल लगा रही थी कि राहुल गांधी जी नहीं आए, खड़गे साहब नहीं आएंगे। देख, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, हमारे सम्मान नेता राहुल जी हैं, ये भाजपा वालों को कैसे पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे? सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि हम महागठबंधन की एकजुटता जो संपूर्ण देश की जनता के कारण, जनता के लिए और जनता के द्वारा तैयार हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कि महागठबंधन जब एक होगा, बिना एक हुए कर्नाटका मैंने भाजपा को हराया, भाजपा से छीना, हिमाचल बिना विपक्ष को एक हुए, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से छीना, और जब सब विपक्ष एक हो जाएगा तो देश में कोई राज बचेगा क्या? कहा यह जा रहा था कि चूंकि 12 तारीख को ही बैठक होने वाली थी और राहुल गांधी ने शायद मना कर दिया था, इसी वजह से उस बैठक को टालना पड़ा, तो जाहिर है कि भाजपा तो सवाल उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जानकारी कम होगी, इसलिए चर्चा का बैठक मई में भी होने का प्रस्ताव भी था, लेकिन मई में कई बात हो गई। जून में जो 12 तारीख की बात कर रहे हैं, तो सबको पता है कि राहुल गांधी जी विदेश गए थे, विदेश में कई सेमिनार थे, कई कार्यक्रम में उन्हें भाग लेना था, सब कार्यक्रम चैनलों पर प्रसारित हो नहीं हो सोशल मीडिया पर भरपूर प्रसारित हुआ, क्या क्या बोले वो भी यहाँ चला, ट्रक के ड्राइवर के साथ उन्होंने लंबी यात्रा की वो भी लोगों ने देखा, अगर चैनल पे नहीं देखा तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। तो जब राहुल गांधी जी विदेश में थे तो कैसे भला मीटिंग होता, जब राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी ने स्वीकृति दी, फिर मीटिंग प्रस्तावित था उस पर होगा, तो महागठबंधन की प्रस्तावित तिथि को बढ़ने और घटने से क्या बैठक के सेहत पर असर पड़ेगा, क्या एकजुटता पे असर पड़ेगा, देखना है कि यह बैठक कितना व्यापक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रहा था कोई नहीं आएगा, आज दिन प्रतिदिन तो देख रहे हैं कि महागठबंधन की व्यापकता बढ़ रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस जो है वो वाम दल के साथ कल कोलकाता में चुनाव नहीं लड़े। अब 23 तारीख को बैठक होने वाली है और उस बैठक के पहले अगर ममता बनर्जी ये शर्त रखती है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग मानेंगे इस शर्त को। देखिए, अब महागठबंधन की जो बैठक हो रही है, जिसको हम लोग यूपीए कहते हैं, बिहार में महागठबंधन कहते हैं, तो किसी शर्त के आधार पर नहीं है। शर्त एक है कि भारत को बचाना है, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना है। नरेंद्र मोदी जी के जो कृति है, जो उनकी नीति है, जो राष्ट्र विरोधी जन विरोधी जो नीति है, उसको परास्त करने के लिए हम एक हो रहे हैं। हम इसलिए एक नहीं हो रहे हैं कि कौन कितना सीट लाएगा, कौन कितने सीटों पर जीतेगा, ऐसा तो मीटिंग जब होगी तब तय होगा। अभी मात्र ममता बनर्जी का वही उद्देश्य है जो नरेंद्र मोदी से निजात भारत को मिले। आपको लगता है कि ममता जी आएंगी? मैंने क्या कहा कि सभी लोग जनता के कारण, जनता के लिए, जनता के द्वारा एक हो रहा है। अब देखें ना, हमने उदाहरण दिया कि कर्नाटका में कोई विपक्ष नहीं था, जनता अकेले हराई ना नरेंद्र मोदी जी को। बंगाल में ममता बनर्जी जीती, हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी हारी। केजरीवाल जी जीते, हारे कौन? भारतीय जनता पार्टी हारी। तो हर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी है से है, और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आम जनता से भी है। तो जनता अब चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी से निजात पाए, इसलिए विपक्ष को एक होना पड़ रहा है। जो विपक्ष एक होने में अपनी भूमिका निभाएंगे वो जनता के बीच में रहेंगे, जो विपक्ष एक नहीं होंगे नरेंद्र मोदी को हराने में वो खुद अलग हो जाएंगे। सवाल है राजेश जी, स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुछ नाराजगी सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। भाई, बिखराव तो अभी से ही दिखने लगा है आपके यहाँ। स्टालिन साहब बड़े राजनीतिक घराने के हैं, उनके पिताजी भी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब जब देश पे संकट आया तो उनके पिताजी हों वो हो, कांग्रेस के विचारधारा और सेकुलर विचारधारा के साथ वो खड़े रहे। और स्टालिन साहब
पहले दिन से कांग्रेस गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के समर्थन में वहां सरकार है, तो कुछ बातें हो सकती है, ये हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन नाराज होंगे इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्टालिन साहब ही पहला बयान दिए थे कि राहुल गांधी जी को आगे आके विपक्ष को एक करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, यही बात थी लालू यादव जी बोले थे। कुछ नाम मैं आपको गिना देता हूँ, चंद्रशेखर राव पटना आए हुए थे, वो आपसे अलग हो गए, चंद्रबाबू नायडू इन दोनों बीजेपी के संपर्क में हैं, पटनायक साहब के पास नीतीश जी खुद गए थे, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया, मायावती ने मना कर दिया है। तो आपकी जो ये मुहिम है विपक्षी एकता की, जिसको बैठक जिसको लेकर 23 तारीख को बैठक होने वाली है, आपको लगता है कि वो रंग ले पाएगी? देखिए कुछ जैसे आप पटनायक साहब के बारे में बोला, तो पटनायक साहब ठीक है मेरे साथ नहीं आ रहे थे, क्या वो भाजपा के साथ जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू जी का आज भी स्पष्ट नहीं है कोई भाजपा के साथ। वोट तो बटेगा ना आपका, जो कह रहे हैं लगातार वोट तो बटेगा। अब आने वाले समय में देखिए ना कि चुनाव जीत के ये लोग कहाँ जाएंगे, चुनाव हारेंगे तब भी कहाँ जाएंगे, जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो ये सब लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब राव साहब के बारे में बात करें तो राव साहब कहाँ गए, भाजपा में जाएंगे वो, ये हो सकता है कि हमारे साथ अभी नहीं है, चुनाव के बाद है। चंद्रबाबू नायडू जी भाजपा के संपर्क में, भाजपा प्रोपगंडा फैला रहे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं भाजपा के संपर्क में हूँ। पटनायक साहब मेरे साथ भी नहीं, तो भाजपा के भी साथ नहीं है, इसका मतलब भाजपा को ही पराजय वो चाहते हैं। तो जो बाकी शेष बच्चे हैं, कयास तो ममता बनर्जी जी पे लगाया जा रहा था, अखिलेश जी पे लगाया जा रहा था, केजरीवाल साहब पे लगाया जा रहा था, अब सब एक हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोपगंडा बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रसारित होता है, न कि जनता और मीडिया द्वारा। हम समझते हैं एक बड़ा मीडिया भारतीय जनता पार्टी के चल रहा है जो प्रोपगंडा पर आधारित है, फिर ये चुनाव उसी पर लड़ना चाहती है, जैसा दो चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 लड़ी, 24 भी प्रोपगंडा पर लड़ना चाहते, लेकिन जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता इस बार उनको 3 अंक में भी जाने नहीं देगी। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार में आप खुद महागठबंधन को एक जगह पर समेट के नहीं रख पा रहे हैं, जितेंद्र मांझी आपसे अलग हो गए हैं, इसके पहले मुकेश सहनी के आपके यहाँ जाने की बात थी, यानी कि महागठबंधन में उन्होंने भी अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, उपेंद्र कुशवाहा पहले से अलग हो गए हैं, चिराग पासवान अलग, तो आपको लगता नहीं कि बिहार में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए बिहार हर चुनाव एक चुनौती होता है, हम इससे अस्वीकार नहीं कर सकते, हर चुनाव एक चुनौती होता है, परंतु चुनौती उसमें मांझी जी, मुकेश सहनी जी और चिराग जी नहीं हो सकते हैं, चुनौती हमारे लिए जनता के मुद्दा हो सकता है। और चिराग जी तब भी भारतीय जनता पार्टी में थे, कभी मेरे साथ नहीं रहे। मुकेश सहनी जी के बारे में पता है कि जो एनडीए में 2019 का चुनाव वो एनडीए के साथ लड़े थे, मेरे साथ नहीं लड़ते, हालांकि एनडीए ने उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया। मांझी जी भी कहाँ थे ये सब आप सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी विश्वसनीयता समाज के बीच में भी खो चुके हैं, मीडिया के बीच में भी खो चुके हैं, बड़े दलों के बीच में भी खो चुके हैं। कहाँ भारतीय जनता पार्टी इनको आमंत्रित कर रहे हैं, कहाँ मुकेश सहनी जी को मंत्री बनाया था, मुकेश सहनी जी कौन बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मुकेश जी को अपने अस्तित्व बचाने के लिए महागठबंधन में रहने की सभा कोई विकल्प है क्या? मांझी जी लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दलितों का हालात बद से बदतर हुआ है, फिर मांझी जी वहां कैसे जाएंगे? और उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल आपने किया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत अस्तित्व कहां रहा? वो तो जेडीयू में गए थे, जेडीयू से बाहर चले गए, तो फिर उनकी बात मैं क्या करूं? चलिए, राजेश राठौर जी हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब 8 साल बाद बिहार आएंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ विपक्षी एकता को एक बड़ी मजबूती मिलेगी, बल्कि बिहार पूरे देश में एक परिवर्तन का एक बार फिर से वाहक बनेगा। पटना से अपने सहयोगी राजेश के साथ एस के राजीव।